दोस्तों, मैं डॉक्टर मुख्तार, फाउंडर ऑफ चारुदिशा। आज हम बात करेंगे समाज की और समाज में बसने वाले तमाम तबके की बात करेंगे आज हम। तो आज सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि समाज में पांच तरह के तबके होते हैं। पहला तबका इलाइट का होता है, जिसे हम इलाइट कैटेगरी कहते हैं। दूसरा तबका होता है मिडिल क्लास, और तीसरा होता है लोअर मिडिल, चौथा होता है वर्किंग क्लास, और पांचवा होता है पॉवर्टी क्लास। तो ये जो इलाइट तबका होता है, ये तबका हर काम अपनी आसानी से कर लेता है, इसकी इनके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं होती है। और जो दूसरा तबका है वो है मिडिल क्लास। तो ये तबका भी अपना हर काम, हर मामला, समाज के हर मामलात को आसानी से तय कर लेते हैं। तीसरा तबका जिसे हम कहते हैं लोअर मिडिल क्लास, जिसे हम कहते हैं खाता कमाता, ये तबका अपने काम को भी कर लेता है, कुछ पैसे ही बचा लेता है। चौथा तबका होता है वर्किंग क्लास, जो सिर्फ कमाते हैं और खाते हैं, कुछ बचा नहीं पाते हैं। लेकिन पांचवा तबका जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी क्लास, जो खाता भी बड़ा मुश्किल से है और उसके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे उस क्लास की जो हमारे समाज में रहता है, पर वो बहुत ही तकलीफ़ों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारा करता है। तो हम हमेशा, चारों दिशा हमेशा ऐसे तबका की भलाई के लिए, भलाई कैसे किया जाए इनके साथ, इसके लिए हमेशा कोशा रहता है, कोशिश करते रहता है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच कोलकाता हाई कोर्ट के एडवोकेट लॉयर शकील गोंडवी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, और ये चारों दिशा के नेशनल प्रेसिडेंट सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स कमेटी के ये प्रेसिडेंट भी हैं। तो आइए सबसे पहले मैं सर से बात करता हूँ कि सर, आपके नज़दीक जो मैंने पांचवा तबका बताया, जिसे हम पॉवर्टी क्लास कहते हैं और जिसके लिए हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, तो इस पॉवर्टी क्लास को हम क्या मदद पहुँचाएँ कि इस क्लास को हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में अच्छा मकाम दे सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब तबकों के लिए ही है। सोसाइटी में उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, किसी तरीके से अपना पेट चला सकते हैं। अगर उनके साथ कोई हादसा ऐसे होते हैं और कोई ऐसे लीगल मैटर उनके सामने आते हैं, उसके लिए परेशानी जो है बढ़ जाती है। चारों दिशा हम आपके साथ हैं, ये कोशिश कर रहा है कि ऐसे तबके के लिए काम करें, और कोई भी ज़रूरत हो चारों दिशा की लीगल टीम उनके लिए काम करने के लिए कोशा है। इसके साथ साथ हमारे ऑफिस में हफ्ता में एक दिन और जो है लीगल सेल बैठेगी, और हमारे एडवोकेट्स जो है एडवाइस देंगे ज़रूरतमंदों के लिए। ये हम लोगों की कोशिश है, हम लोग इसको इसी महीने से करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे समाज के उस तबका की जिसे हम पॉवर्टी माने गरीब लोगों की जगह पे रखते हैं और गरीब कहते हैं। तो ये गरीब लोग वाकई में इतने मजबूर होते हैं कि अगर रोज़ाना ये 100 रुपये कमाते हैं, इनके खर्च जो है 200 रुपये रहते हैं, और ये बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। और जब ऐसे लोगों के दरमियान, या ऐसे लोग अगर मान लीजिए किसी मसले में फंस जाते हैं, वो पुलिस का मामला हो या कोर्ट का मामला हो, तो इनके लिए बहुत दुश्वारी हो जाती है कि ये किसी अच्छे वकील से राबता कायम कर सके और उनसे कांटेक्ट कर सके। तो इसी काम के लिए चारों दिशा ने फरवरी महीने से लॉयर साहब के एडवोकेट शकील गोंडवी साहब के मशवरे पर हम लोगों ने एक यहाँ पर क्लिनिक खोलना शुरू किया है कि अगले महीने से इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर एक लीगल सेल की टीम बैठेगी, और उस वो लीगल सेल जो है आप गरीबों को तमाम मुफ्त में मशवरे देगी, किस रास्ते पे चलने से उनको आसानी से उनके मसाइल हल होंगे। तो एडवोकेट साहब, आप इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, कैसे काम करना बेहतर होगा? सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो जिन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों को हम लोग जो है एक डेट फिक्स कर देंगे और सभी का जो है नाम एंट्री कर लेंगे। मान लीजिए एक दिन में हम लोग 20 आदमी 25 आदमी का नाम एंट्री कर लेंगे, और उनको उस डेट में जो है उनको एडवाइस देंगे, और उनके जो भी मसाइल होंगे
उस मसाइल पे हम लोग उनको एडवाइस करेंगे और उनके जो काम आने के लायक हम लोग जो आ सकते हैं हम लोग उनका जो है काम भी करेंगे। ये हम लोगों का तरीका, हमारी पूरी लीगल टीम बैठेगी यहाँ पे, कभी 3 एडवोकेट रहेंगे, कभी 5 एडवोकेट रहेंगे, और जिस तरह उनकी ज़रूरत होगी उस तरीके से हम लोग उनके लिए काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ शकील साहब, कि आप तो हमारे चारों दिशा के नेशनल सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट हैं, तो क्या लगता है कि गरीब लोगों के साथ किस तरह के मसाइल ज़्यादा आते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अगर ऐसे लोग हमारे बीच आते हैं तो उनको हम किस तरह की मदद पहुंचा पाएंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस के मसाइल आते हैं, इस मसाइल को अगर घर में सॉल्व हो जाए तो बेहतर है। सोसाइटी लोकेलिटी अगर सॉल्व कर ले, ऐसे परेशानियां हर जगह आती है, अगर उसको सॉल्व कर लें तो बेहतर है। लेकिन उसके अलावा कहीं कहीं देखा जाता है कि एक्सट्रीम लेवल पे जो है इस तरह के प्रॉब्लम अराइज़ होते हैं, और अगर एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉब्लम अराइज़ होते हैं तो हमारी टीम उनकी सहयोग करेगी, उनके साथ कोऑपरेट करेगी। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा एडवोकेट साहब, कि जो लोग यहाँ पे हमारे पास अपने मसाइल को लेकर आएंगे, तो क्या ऐसे लोगों के साथ जो मसाइल हैं उन्हें सुनने के लिए, जैसा आपने कहा कि आपकी पूरी टीम होगी, 4-5 वकीलों की टीम होगी, तो क्या ऐसे लोग हमारे पास इस इलाके के होंगे या कहीं के भी लोगों को हम इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर, हम लोगों की ऑफिस है यहाँ पे, जिस तरीके से मैंने पहले अपने इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ कोई कास्ट, क्रीड और लोकेलिटी की बात नहीं है, जिसकी भी ज़रूरत है, किसी भी शख्स को, वो चाहे तलतला में रहता हो, तफसिया में रहता हो, तिलजला में रहता हो, या फिर आउटसाइड ऑफ कलकत्ता भी हो, अगर उसको ऐसी ज़रूरत महसूस होती है, हम लोगों के कामों से अगर वो सेटिस्फाई हैं, तो वो लोग आके हम लोगों से बिला झिझक मशवरा कर सकते हैं। तो ये आज हम बात कर रहे थे एडवोकेट शकील साहब से, और इन्होंने अपना पेशकश किया है कि कहीं के भी लोग हो, मैं समझता हूँ कि बंगाल के किसी कोने से भी लोग अगर अपने मसाइल को लेकर आ जाएं तो इंशाल्लाह चारों दिशा हमेशा उनके साथ हैं और हमेशा उनकी मदद के लिए हमेशा कोशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया एडवोकेट शकील साहब, इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने मुझे मौका दिया और हम लोगों को कौम की खिदमत करने के लिए मौका फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया।